भाई मैं लोगों से मिली हूँ, अपने साथियों से मिल रही हूँ, साथियों से बात हो रही है, सभी लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ना है। तो मैं सवाल ये है कि जब लोग कह रहे हैं और मेरा अपना मैं लड़ूंगी चुनाव, बाकी क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है ना। अब जाहिर है समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, गठबंधन में उन्होंने दे दिया है तो दे दिया है, ओम प्रकाश राजभर जी तो थोड़े मुझे देंगे है, सपा के गठबंधन में है वो भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब मैंने इतना इसको सजाया है, संवारा है, तो जो मेरा कर्म है, कर्तव्य है, वो मैं करूँगी। मेरा कर्तव्य क्या है आप लोग बताइए, या आप लोग बताइए मेरा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य तो जो है वो आप खुद बता रही हैं, तो कह रही हूँ कि मैंने इसे सजाया है, संवारा है, मैं करूँगी। लेकिन अगर किसी दल से संभावना हो तो अब संभावनाओं के द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं। देखिए ऐसा है कि संभावनाएं तो हमेशा रहती हैं, संभावनाओं का क्या है, संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। चर्चा है कि आप बीएसपी से, अब चर्चाएं होती हैं, बहुत सी चर्चाएं होती हैं, गठबंधन से जा रहे हैं, भाजपा निषाद पार्टी अपना दल से भी आ सकती है, चर्चाएं हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं। जब जहूराबाद में आएंगे तो कहाँ निषाद पार्टी और कहाँ, मैंने एक बात कहा कि भाई चर्चाएं हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकती हूँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने इस क्षेत्र को सजाया है, संवारा है, और 5 साल वो विधायक रहे, उन्होंने क्या किया है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। तो मैं इसे बर्बाद नहीं, आप लड़ेंगी भविष्य में निर्दल लड़ेंगी या किसी दल से, ये तो अब लेकिन लड़ना है। देखिए अब किसी को ये पता नहीं है कि अगले पल क्या होगा, मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, क्या पता अगले पल रहूँ ना रहूँ। तो जब जीवन का नहीं पता कि रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं और किसकी क्या बात करूँ। तो आपकी मुलाकात उमाशंकर सिंह से भी हुई है? मेरी किसी से कोई वो नहीं है, हम लोग हाउस में मेंबर थे, सदन के हम लोग सदस्य थे, तो हम लोग सदन में मिलते थे, अच्छे आदमी थे, बढ़िया आदमी है, इधर इधर नहीं, सदन में हमारी उनकी मुलाकात होती थी, सभी लोगों की होती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी नमस्ते होती थी, लाल जी वर्मा जी से भी होती थी, और सभी लोगों से होती थी, हाउस के जितने भी सदस्य थे सभी लोग मेरा सम्मान करते थे, मैं सबका सम्मान करती थी। शिवपाल जी का आशीर्वाद रहेगा? देखिए ऐसा है कि सबका आशीर्वाद है, है ना। अब सवाल ये है कि मैंने एक बात कहा है कि मेरे क्षेत्र की जनता है, जनता फैसला करेगी। मेरा मानना ये है कि मिल गई मंजिल उन्हें जो करके हिम्मत चलती है, गाजिए गुफ्तार बैठे, रास्ता देखा किए, देखा जाएगा, रास्ते तो बनते हैं, देखा जाएगा। और राजनीति असीम संभावनाएं हैं, कोई द्वार खुलता है, क्या होता है उसके लिए क्या कहा जा सकता है।